आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे लेकर आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किल और बढ़ सकती है। पता चला है कि खेडकर ने फर्जीवाड़ा कर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया था। आईएएस ने पिपरी पूड़े के YCM हॉस्पिटल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया था। ये सर्टिफिकेट उन्होंने गलत एड्रेस थर्मोवेरिटा इंजीनियर कंपनी पर हासिल किया था। जानकारी के मुताबिक पिपरी पूड़े के यशवंत वतराव चहड़वाल मेमोरियल हॉस्पिटल से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया है उसके लिए आईएएस पूजा खेडकर ने अपने एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड लगाया था जिसमें फर्जी एड्रेस दिया गया। दरअसल ये एड्रेस एक थर्मोवेरिटा इंजीनियर कंपनी का एड्रेस है और ये कंपनी बंद हो चुकी है। कमाल की बात यह है कि इसी कंपनी के नाम पर खेडकर की ऑडी कार भी रजिस्टर्ड है। बता दें कि पूजा खेडकर ने YCM हॉस्पिटल से फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट में खेडकर ने अस्पताल को जो एड्रेस प्रूफ दिया था उसमें उसके घर का पता प्लॉट नंबर 53 देहू आलंदी तलवड़े लिखा था, जिसके बारे में पता चला कि ये एड्रेस अस्पताल में किसी रिहायशी प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि बंद हो चुकी कंपनी थर्मोवेरिटा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड का है। गौरतलब है कि बीते दिन महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द कर दी थी और LBSNAA के डिप्टी डायरेक्टर के पद के संदर्भ में कहा कि आप मसूरी वापस जाएं और 23 जुलाई को रिपोर्ट करें। बता दें कि आईएएस पूजा खेडकर वसीम जिले में तैनात थी। यह हाल ही में विवाद के कारण उनका ट्रांसफर किया गया था। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पूरे परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ पहले ही पुलिस में केस दर्ज हो चुका है। अब उनके रिटायर्ड पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी एंटी करप्शन को सबूत मिले हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित की और चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि केवल इंटरनेट मीडिया तक ही सीमित नहीं है, शासन में इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन ने कहा कि किसी भी अधिकारी के इस प्रकार की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसा कोई प्रकरण होता भी है तो उस पर भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को ही निर्णय लेना होता है।